बहुत सारे एम्पलीफायर में ये जो वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होती है यह नहीं मिलती हमें। जैसे कि हमारे जो सस्ते जो छोटे कंप्यूटर वगैरह के लिए जो एम्पलीफायर आते हैं उनमें ये वॉल्यूम कंट्रोल नॉब नहीं होती, तो हम उसकी वॉल्यूम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसमें समय में ये अपना 3.5 mm जैक लगा होता है ऑडियो इनपुट के लिए, जिसमें भी या जो भी हो इनपुट हो उसमें, तो उसमें एक ग्राउंड वायर होती है और दो लेफ्ट और राइट ऑडियो चैनल की होती हैं। तो ग्राउंड वायर हमेशा ब्लू या ब्लैक इसी कलर में मिलेगी, और इसमें जो ग्राउंड का कनेक्टर है जो पहला वाला कनेक्टर है, आगे लेफ्ट राइट है दोनों चैनल, तो ये दोनों वाले हैं। अगर हमें मोनो एम्पलीफायर के लिए मतलब इसको वॉल्यूम कंट्रोल नॉब लगानी है तो इन दोनों वायरों को एक जगह कर लेंगे। अगर हमें स्टीरियो के लिए चाहिए तो हम दोनों को अलग अलग कनेक्ट करेंगे। मोनो के लिए हमें सिंगल चैनल पोर्ट भी ले सकते हैं, या इसको टोन भी बोलते हैं। मैं 10K का यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो ये। और अगर आपको स्टीरियो के लिए चाहिए तो आप डुअल चैनल पोर्ट भी ले सकते हैं। तो इसमें डुअल चैनल में ये 3 पिनें यहाँ और आएंगी, इसमें 6 पिन आएंगी। सिंगल चैनल में 3 पिन आती हैं और डुअल चैनल में 6 पिन आती हैं। अगर मैं मोनो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले इन दोनों पिनों को मैं इस साइड वाली जो इसकी पिन है इस पे कनेक्ट करूँगा शोल्डर से। अब ये ग्राउंड पिन है, इसकी जो ग्राउंड पिन है इसको इस पे कनेक्ट करूँगा, इस फर्स्ट वाली पिन पे। ये थर्ड वाले पे मैंने लेफ्ट राइट जो इन ऑडियो चैनल था उसको कनेक्ट कर दिया, और ये फर्स्ट वाली पिन है इस पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरे मोनो एम्पलीफायर के 2 वायर हैं, इसमें ब्लू वाला ग्राउंड है और ये वाला ऑडियो के इनपुट के लिए है। तो मैं ग्राउंड वाले को जो अपने 3.5 mm जैक से जो ग्राउंड आ रही है उससे कनेक्ट कर दूंगा, और जो ये ऑडियो इनपुट का है ये इसकी जो पोर्ट की मिडल पिन है या वेरिएबल रेजिस्टेंस की उस पर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये कनेक्ट हो गया। अगर आप स्टीरियो के लिए कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों वायर, इसमें एक वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इनपुट का, और एक जो इधर 3 पिन आएंगी उसमें से जो इसके बराबर में पिन होगी उस पर कनेक्ट हो जाएगा। और आउटपुट के लिए भी यहाँ पर एक तो यहाँ कनेक्ट हो ही गया, दूसरा यहाँ जो भी मिडल में पिन होगी उस पर कनेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड के जो यहाँ पर डबल पिन आएंगी उसमें ग्राउंड दोनों में कॉमन होगा। ये रेडी है, मैं अपने मोबाइल में आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरे मोबाइल में NCS का जो नो कॉपीराइट का म्यूजिक चल रहा है, मैं इसकी फुल वॉल्यूम करती हूँ। अब ये जो है 3.5 mm जैक में पिन लगाऊंगा, आने लग गई है। ये मैंने वॉल्यूम कम करी और ये मैंने फुल कर दिया। ये इस साइड करते ही कम हो रही है। अगर आपको इस साइड करते कम करनी है, जैसे कि इस साइड कम हो रही है, तो ये इस साइड लगा देंगे पिन, मतलब ग्राउंड और जो इनपुट पिने हैं दोनों इनको आपस में चेंज कर देंगे। जैसे कि ये इधर ग्राउंड लगा हुआ है तो इधर ग्राउंड कर देंगे और ये लेफ्ट राइट इधर कर देंगे। देखें, इससे हम अपने वॉल्यूम कंट्रोल कर पाते हैं, या 10K से 100K तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तरीके से हम बड़ी ही आसानी से किसी भी एम्पलीफायर में वॉल्यूम कंट्रोल नॉब लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।